फिर यहाँ सवाल अभी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया कि ईद की नमाज के बाद कब्रिस्तान जाना मसनून है क्या। मैंने अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया कि कब्रिस्तान जाने के लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं है, जब जब बंदा जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। वो यानी कि जब अपने आप के बारे में बंदा जब महसूस करता है कि मेरे अपने दिल में ज़रा संगदिली पैदा हो रही है, मेरा दिल पत्थर का होता जा रहा है, तो उस मौके पर बंदा बिल्कुल कब्रिस्तान की ज़ियारत के लिए निकल जाए। वरना ये तख़सीस करके, ख़ास करके ये समझ कर कि जुमा के दिन ज़ियारत करना अफजल है या ईद के दिन करना अफजल है, तो ये बिल्कुल कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी बंदे को जुमे के दिन ही फुर्सत मिलती है, फजीलत का ख्याल करके नहीं बल्कि वो दूसरे और दिनों में ड्यूटी पर होता है, काम पर होता है, बस जुमे के दिन उसको मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है, इसलिए जाता है, या ईद के दिन, तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज की बात नहीं कहेंगे। वरना ये सोचकर बिल्कुल नहीं जाना है कि ईद के दिन कब्रिस्तान की जियारत करना दूसरे और दिनों की जियारत से अफजल है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।